नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देखते हुए सरकार ने 15 से 21 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन पहले और दूसरे दिन में आपको देखने को मिला होगा कि सड़कों पर ना ही पब्लिक ने इसका फॉलो लिया है, ना ही इसका कोई उन्होंने पालन किया है। इसी के चलते आज प्रशासन ने सभी को, सब्जी भाजी, फल फ्रूट वाले, सभी किराना वाले, सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी को एक बजे तक के बंद करने का समय दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि NMC की तरफ से कुछ आए हैं लोग, उन्होंने मार्केट में सभी फ्रूट वालों को, सब्जी भाजी वालों को ये बताया है कि 1 बजे तक के उनको अपनी शॉप्स बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि NMC ने अपने तरफ से क्या गाइडलाइन लगाई है। सर, अपना नाम बताइए। संजय बड़े बात कर रहा हूँ मैं, मंगलवारी जोन मार्केट डिपार्टमेंट। आज से नया गाइडलाइन आया है, सब्जी के जो फ्रूट के दुकानें, सब्जी के दुकानें, किराना दुकानें खाली 1 बजे तक चालू रहेंगे, लेकिन जो लक्के मार्केट है, लक्के पूरी दुकानें, कम से कम 10-20 दुकानें, वो प्रॉपर बंद रहेंगी, उनको खोलने की परमिशन नहीं। अकेला अकेले स्टैंड अप स्वरूप की जो दुकान है वही खाली चालू रहेंगी, उनको 1 बजे तक परमिशन दिया है, 1 बजे के बाद उनको क्लोज रखना है। जैसे कि 15 से 21 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया है, पहले दिन और दूसरे दिन ये देखा गया है कि सड़कों पर आम जो जनता है वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आज भी वही नज़ारा आपको देखने को नहीं। वो कैसे है, जो लोग रोड पे आ रहा है वो ट्रैफिक और पुलिस विभाग का काम है। NMC का काम क्या है, जो फ्रूट पे ठेले है, किराना शॉप थे, जो शॉप थे उनके ऊपर कंट्रोल रखा, और NMC मार्केट डिपार्टमेंट, NDS स्क्वाड, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे अगर ये लोग अगर नहीं मानते हैं तो? कौन से लोग? ये फल फ्रूट वाले, सब्जी भाजी वाले। अच्छा, उनको पहले हमने इंटीमेशन दे दिया कि भैया 1 बजे के पहले बाद दुकान बंद करना है, 1 बजे के बाद दुकान चालू रहेंगी तो NMC NDS स्क्वाड के जरिए उनको फाइन करेंगी। क्या फाइन लगने वाली है अगर वो नहीं मानते तो? फाइन के ऊपर ही हो मैडम, वो अपन कोर्ट का भी चालान देते हैं, जैसे 1,000, 5,000, 2,000, जैसे चालान बनता है अपना। आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए था? नहीं मैडम, कैसे, अपने नागपुर शहर बड़ा शहर है, नागपुर शहर में डेली अपने 2,000-3,000 का आंकड़ा जा रहा है, तो वो कंट्रोल में आना चाहिए, तो लॉकडाउन तो जरूरी है। सभी लोगों ने अभी पूरा गाइडलाइन फॉलो किया, लेकिन लॉकडाउन लगाने से आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो छोटे मोटे जो रोजगार वाले लोग हैं, जो रोजी रोटी पर डे के हिसाब से कमाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल असर गिरता है, लेकिन गवर्नमेंट का गाइडलाइन अपन फॉलो करना है, उससे अपन कुछ नहीं कर सकते ना। लॉकडाउन के अलावा अगर वैक्सीनेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो? देना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिजल्ट अपने 5-6 महीने में, दिवाली तक कम से कम पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, और आने वाले समय में लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं गिरेंगी। और नागपुर शहर में बहुत ज्यादा पेशेंट है, तो 7 दिन के लॉकडाउन की जरूरत ही थी मैडम। तो जैसे कि आपने देखा कि NMC की तरफ से जो छोटे मोटे व्यापारी है उनको स्ट्रिक्टली बताया गया है कि अगर 1 बजे तक के उन्होंने अपनी शॉप्स बंद नहीं करी, दुकानें बंद नहीं करी, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम है नरेंद्र मनराम भाई सारे, बेजयमा में रहता हूँ सर। यहाँ में फ्रूट की दुकान हम लगाते हैं, हमको आदेश दिया है कि 1 बजे तक आप लोगों ने बंद करना चाहिए, तो हमने 1 बजे तक उनका पालन करके हमारी दुकानें हम बंद करवा रहे थे। और यहाँ पे भी सब जो लोग आते हैं उन लोगों को भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी आते हैं उनको हम मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, सैनिटाइज करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद में डिस्टेंस, नुकसान सर मैडम बहुत ही नुकसान हो रहा है, माल अपना वाला नुकसान हो रहा है, एकदम कच्चा माल है, और कॉरपोरेशन वाले हमारे आपको बहुत परेशान करते हैं, हटाओ हटाओ करके यहाँ पे दुकान नहीं लगाने के देते हैं, परेशानी बहुत करते हैं। लेकिन सभी चीज़ें छोड़कर अभी तक तो फल फ्रूट आपकी दुकानें शुरू थी, तो कैसे बोल रहे कि आपकी नुकसान नहीं, जब से बंद करवाने लगाते समझे 1 बजे तक का हमको टाइम दिया, 1 बजे तक का, अभी तक तो अभी तक तो शॉप तो चालू थी, लेकिन शॉप चालू रहने के बाद में लोग परेशान करते हैं ज्यादा ही, बाकी कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से लॉकडाउन लगाना चाहिए था? लगाना चाहिए था, बहुत लगाना चाहिए था, बहुत अच्छे के लगाए, तो क्योंकि कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से लगाए, उन लोगों के हम सब आप अपने शॉप में जो कस्टमर आते हैं उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो? प्रिकॉशन लेते हैं, उनको सैनिटाइज देते हैं, उनको बोलते हैं कि मास्क लगा के आओ, डिस्टेंस करो, घर में भी अपने वाले ही करो, ये बोलते हैं। जैसे कि आज से फल फ्रूट किराना शॉप्स में एक बजे तक ही शॉप्स चालू रहेंगी, तो आइए जानते हैं कि किराना शॉप्स वाले भैया से कि उनकी क्या राय है इस लॉकडाउन को लेकर। नमस्कार भैया, आपका तत्काल न्यूज में स्वागत है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का आज का तीसरा दिन है,
लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए आपके हिसाब से? लगाना चाहिए लेकिन थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम करना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं, आज सब लोग हम लोग जुड़े लोग जुड़े हैं, आज हर चीज़ रोज़ कमाने खाने वाला है, उनका क्या होगा? हम भी अभी माल लाए, हमको भी उधारी देना है, उधारी लेते रहते हैं हम, अब हमारे को भी चेक लगे हुए हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे किराया? अभी देखिए ये हमारे कस्टमर है रिंकू भाभी, इन्होंने भी अभी किराया लिया, अभी लेके जा रहे हैं लेकिन अभी उधारी लेके जा रहे हैं, अब हमको भी पैसा देना है ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लॉकडाउन लगाइए ठीक है, लेकिन इस टाइप से जो लगा रहे हैं, 1 बजे बहुत कम टाइम हो जाता ना, इसके बाद थोड़ा सा 5 बजे तक कर दीजिए, उसका टोटल लॉकडाउन लगा दीजिए। मतलब लॉकडाउन लगाने की वजह से आपके व्यापार पर बुरा असर हो रहा है ऐसा आपका बोलना है? असर हो ही रहा ना, क्योंकि कैसा है, जो दुकान का सेल है वो कम हो गया, उधारी बढ़ गई और हमारे पे हेडेक बढ़ गया, क्योंकि माल देना है हमको, हमको बेचना भी है, जब ही तो हमारा भी काम चलेगा, हमारे को भी फीस भरना है, हमको भी इलेक्ट्रिक बिल आते हैं, इलेक्ट्रिक बिल वाले काट के जाने को बोलते हैं, नल का बिल भरना है, हर चीज़ से जुड़े ना, स्कूल की फीस भरी रहे। समर्थन लॉकडाउन ठीक है जरूरी है, लेकिन जो ये टाइमिंग दिया है बहुत कम टाइमिंग है। आप अपने शॉप में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो, जैसे कि ग्राहक आते हैं तो? अभी हम तो कैसा बाहर के भारी रखते हैं, सैनिटाइजर भी है हमारे पास और बाहर के भारी देना चाहते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। रिंकू कटारिया। क्या करते हो आप? घर का काम है। गृहिणी नहीं हो आप? गृहिणी हो ना आप? हाँ। जैसे कि अभी 15 तारीख से 21 तारीख तक 1 हफ्ते का प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं क्या बोलूँ, ये तो परेशानी तो है, चल ही रहा है। आपके घर में कौन कौन है? एक लड़का एक लड़की है। लड़की जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, लड़की जाती है शॉप में। हाँ। लड़का पूनम चैम्बर में है और पति तो बीमार है, घर में ही बैठे हैं। तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से उनके जॉब के ऊपर क्या असर पड़ा है? घर ग्रह बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो तो घर में बैठ गई है, घर में ही बैठी है ना लड़की, सब बंद है तो लड़का भी बैठ गया घर में। घर फिर कैसे चलता है आपका? अब क्या उधार ले जा रहे और खा रहे, हम देखेंगे बाद में। अभी आज से तो नई गाइडलाइन नहीं है कि 1 बजे तक ही शॉप बंद रहेगा, फिर क्या करोगे आप? वो तो अभी पहले से ले रहे सामान, अब क्या करेंगे। कोरोना का डर नहीं है आपको? डर नहीं लगता है ना? सभी को डर लगता जैसे कि अभी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, है ना? हाँ, बढ़ रहे ना पेशेंट। आप क्या प्रिकॉशंस लेते हो वैसे? वही बोल रहे भैया, सब ये रहो, संभल के रहो। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद तो जैसे कि आपके लड़की का भी काम चला गया, लड़का भी है उसका भी काम बंद हो गया, तो यह प्राइवेट सेक्टर भी चालू करने चाहिए ना लोगों ने? हाँ, प्रशासन ने। अब क्या बोलेंगे आप? नाम बताइए अपना। मोहन ढोके। जैसे कि आज का लॉकडाउन का 3रा दिन है और आज से नई गाइडलाइन लगी है, 1 बजे तक ही शॉप लगाना है, शुरू रखनी है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? टाइम बढ़ाना चाहिए दुकान। टाइम बढ़ाना चाहिए। क्यों टाइम बढ़ाना चाहिए? वो 4 घंटे में कोई कस्टमर लोग आते नहीं ना। लेकिन कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं ना? हाँ, कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। पेशेंट वो लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके भी दुकान में आते हैं बाहर? नहीं, हम लोग बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो आप आपके दुकान में? कस्टमर को दूर खड़े रखते हैं, उनके गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं उनको। अच्छा। उनको उनके गाड़ी में सामान भी पहुँचा देते हैं आपकी शॉप में? हाँ, आ रहे हैं ना। बराबर चल रहा है आपका लॉकडाउन की वजह से आपके दुकान पे कोई असर नहीं पड़ रहा? असर पड़ा ना। कैसा असर? जल्दी बंद करने से सब नुकसान हो रहा ना। कितना, कैसा नुकसान हो रहा है? नुकसान बोलने से जो है ना, दिन भर में हम लोग 500 रुपये कमाते थे, तभी 100 रुपये में हमको गुजारा करना पड़ रहा। लेकिन ये इसकी वजह से तो कोई संक्रमण वगैरह नहीं होता ना नॉन वेज? नहीं नहीं नहीं। आज लॉकडाउन के 3रे दिन हमने अलग अलग एरिया में जाकर आपको जो कवरेज बताई है, ग्राउंड फ्लोर में उतर कर फल फ्रूट वाले हैं, मटन शॉप वाले हैं, उसके अलावा भी किराना शॉप वाले हैं, हर एक को आज से जो लॉकडाउन के नए नियमों का पालन करना पड़ेगा, सभी को 1 बजे तक के शॉप बंद करनी है, नहीं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी, ऐसे NMC के अधिकारी ने भी हमको बताया है। तो लॉकडाउन से जुड़ी अनेक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तत्काल न्यूज़ के साथ।